इन दिनों प्रदेश भर के स्कूलों में वार्षिक समारोह की धूम है। इस दौरान स्कूलों में वर्ष भर में अव्वल प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है, ताकि बच्चों के मनोबल में वृद्धि और उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी मौका मिले। इसी कड़ी में चंबा के राजकीय उच्च विद्यालय कडेड में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई। चंबा के राजकीय उच्च विद्यालय कडेड में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता स्कूल एसएमसी के प्रधान ओमकार ने की। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आगाज एसएमसी के प्रधान ओमकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के मुख्य अध्यापक अजय चौहान ने शॉल, टोपी और बैज लगाकर एसएमसी प्रधान व ग्राम पंचायत की प्रधान राधा ठाकुर को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा पहाड़ी, पंजाबी व देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां पेश की गई, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी दर्शकों का मन मोह लिया। स्कूल के मुख्य अध्यापक अजय चौहान ने स्कूल की वर्ष भर की उपलब्धियों को कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों के सम्मुख रखा। पिछले वर्ष दसवीं कक्षा का परिणाम में कार्तिक चौहान ने प्रथम स्थान जो वो प्राप्त किया, जिसकी प्रतिशतता जो थी वो 91% थी। लगातार दो वर्षों से इस विद्यालय के बच्चे जो हैं वो 90% को इन्होंने क्रॉस किया है, 90% पार किया है। इससे भी पिछले वर्ष कुमारी मेघना जो कि 91% नंबर लेके फर्स्ट आई थी, और दूसरे स्थान पर शालिनी कपूर जिसने 85% नंबर जो है वो हासिल किए हैं, तीसरे स्थान पर मोहित कुमार जिसने 84% अंक जो है वो हासिल किए हैं। इस विद्यालय में शिक्षा विभाग की तरफ से जितने भी प्रोग्राम हैं, स्वतंत्रता दिवस, पर्यावरण दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस और भी इस तरीके की गतिविधियां जो हैं वो स्कूल में मनाई जा रही हैं। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।